बेटा तुम हमारी फिक्र ना करो, बस अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो। और मैंने जो तुमसे कहा है ना, जरा अपने अब्बा को समझा दो, जब भी तुम पैसे भेजते हो ना कोई मसला करते हैं। ये लें, बात करें। हाँ बेटा। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम बेगम, तुम भी हद करती हो। अब वो दिन नहीं रहे जब खलील खान फाकता उड़ाया करते थे। बेटा जब तुम यहां थे तो उस वक्त का दौर कुछ और था और अब दौर कुछ और है। अरे बेटा, मैं यहां गुसलखाने से बाहर निकलता हूं तो गोश्त की कीमत 500 रुपए बढ़ चुकी होती है, पेट्रोल 1500 रुपए, ऊपर से गैस महंगी से महंगी, बिजली महंगी से महंगी। अरे बेटा मैं कर लूंगा कर लूंगा। हाँ ठीक है, अरे मेरी बात तो सुनो, घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं ना बेटा। चलो चलो ठीक है ठीक है, मैं बता दूंगा। ठीक है बेटा, खामखा तुमने उसको परेशान कर दिया। तो क्या करती, मेरा बच्चा पढ़ाई के साथ साथ दो दो नौकरियां करके हमें पैसे भिजवाता है और सारे पैसे आप रख लेते हैं, और मुझे कितने देते हैं, 30,000। इसमें क्या होता है? वो कितना भेजता है? 1800 पाउंड। और 1800 पाउंड में किस तरीके से ये मैं घर चला रहा हूं ये मेरा खुदा जानता है, लेकिन तुम्हें बोलने की आदत है, बोलती रहो। 1800 पाउंड तकरीबन 6.5 लाख बनते हैं फिरोज साहब, और मुझे मालूम है क्या करते हैं जो ये महीने भर में खत्म हो जाते हैं। हद करती हो बेगम, हद करती हो। अब मैं तुम्हें खर्चा गिनवा रहा हूं, मकान का किराया, गाड़ी में पेट्रोल डाल रहा है, बिजली का बिल, गैस का बिल, पानी का बिल, ऊपर से तमाम घर का खर्च, ये कहां से हो रहा है, लेकिन तुम पकड़। तो फिर मुझे बताए ना, 6.5 लाख आप करते क्या है? हमारे घर का खर्चा 3 लाख होगा बस। माय गॉड, मैंने 100 दफे तुमको समझाया है कि देखो बेगम, मैंने किसी से कर्ज लिया था, हर महीने उसके किस्त जा रही है, लेकिन तुम्हें कुछ पता नहीं है, खाली पकड़ पकड़ करना है, बस करती रहो तुम। आपके तो ना कर्ज ही नहीं, चबड़ जब देखो चबड़ करती रहती है। जी आप कौन? जी वो मैं फरा हूँ, मुझे बाजी ने काम पे बुलवाया था। अच्छा 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 अच्छा, आइए आ जाएं। जी कोई काम था आपको? नहीं नहीं, बस मैं बाहर जा रहा था, कुछ मंगाना तो नहीं है ना? नहीं, सब कुछ घर में मौजूद। अच्छा सुने। हाँ। बस डबल रोटी लेते आइएगा। जी बेहतर है। अखबार में तो सिर्फ इश्तहार की खबर होती है, खबर तो होती ही नहीं है। खबर जो होती है ना वो बुरी होती है, अच्छी खबर खबर नहीं होती। बिल्कुल ठीक कह रही हो, बुरी ही खबर होती है। ये कहाँ है? वो बाजी पड़ोस में गई है। अच्छा, बात सुनो, काम करने वाली तुम लगती नहीं हो, क्यों करती हो? अब लगने या लगने से क्या फर्क पड़ता है, घर भी तो चलाना है ना।
हाँ ये बात तो है। ये क्या कर रहे हैं आप? बस जब से तुमको देखा है मेरे दिल की अजीब हाल है, पता नहीं तुम्हें देख के मुझे क्या हो जाता है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप जो मुझे समझ रहे हैं, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। ओहो देखो मैं कब कह रहा हूँ कि तुम ऐसी लड़की हो, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मैं तुम्हारे मदद करने के लिए तैयार हूँ। मैंने आपसे कब कहा कि मैं परेशान हूँ? इस दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो परेशान ना हो। अरे तुम भी परेशान हो। कितने अजीब इंसान हैं आप। अगर आपकी वाइफ को पता लग गया तो? अगर पता चल गया तो उस दिन तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन होगा। देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं, मुझे समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। आ रहा हूँ। आप क्या फायदा दे सकते हैं मुझे? अरे बेगम घर पे हैं? किचन में है बाजी। अरे बात सुनो, उस दिन तो बड़ी नजाकत की देवी बनी हुई थी। वो उस दिन आप फायदे की बात कर रहे थे ना, तो मैंने बड़ा सोचा। फायदा? फायदा तो जैसा तुम कहोगी जितना कहोगी तुमको, लेकिन एक शर्त है, मुझे खुश करो, बेइंतहा फायदा दूंगा। अरे तो मर्ज़ात कितने ठरकी होते हो। हाय बस तुम सिर्फ एक घंटे के लिए मर्द बन जाओ, फिर देखता हूँ तुम्हारे जहन में क्या बात। क्या नहीं, ये क्या है? ये तो किसी के मकान का एड्रेस है। ये मेरे घर का एड्रेस है। तब यहाँ पे आके अपने सारे शौक पूरे कर सकते हो, लेकिन हाँ याद रखना कि कोई भी शौक फ्री में पूरा नहीं होगा। अरे तुम्हारे घर जाने की क्या जरूरत है, यही। नहीं नहीं मैंने कहा यहाँ नहीं। बड़ी मुश्किल से मेरी बेकरारी को करार आया। जरा पड़ोस से आती हूँ मैं। क्या बात है, आजकल पड़ोस में बहुत जा रही हो, खैरियत तो है? तो क्या करूँ, आपकी तरह सारा दिन फारिग तो बैठ नहीं सकती, आ रही हूँ। बड़ी मुश्किल से मेरी बेकरारी को करार आया। मुझे ना कुछ पैसों की जरूरत है। पैसे की जरूरत है? अरे भाई कल ही तो मैंने तुमको 50,000 रुपए दिया था, इतने जल्दी खत्म कर दिया? हाँ दरअसल मुझे अपना घर बनवाना है और किराए पे नहीं रहना, इसीलिए फ्लैट की बुकिंग करानी है। तो ये कि मुझे महाना 3 लाख रुपए चाहिए। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? मुझे जो कुछ देना था वो मैंने तुमको दे दिया, अब यहाँ से ना चलते बनो। क्या चलती बनूं? अच्छा कर दिया सेंड। सर अपना व्हाट्सएप चेक करो। करो 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 चेक करो। ये क्या, ये क्या किया तुमने, ये क्या किया? क्या करूं, ये लो पियो, पकड़ो पकड़ो। दरअसल बात ये है कि मेरी जरूरतें ही इतनी हैं, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारी बीवी को और तुम्हारे बेटे को मैं ये वीडियो में नहीं दिखाऊंगी जब तक मैं ना जाऊं। तो तुम मुझे ब्लैकमेल करके फंसाना चाहती हो? अभी तो ये वीडियो मेरी आप जैसे एक दोस्त के पास है और वो ये सोच रहा है इसे सोशल मीडिया पे अपलोड करने का, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। सही किया ना? देखो पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा,
लेकिन इतने पैसे नहीं दे सकता। मैं कुछ पैसे दे देता हूँ लेकिन शर्त यह है कि इसको डिलीट करो। देखो पैसे तो तुम्हारे पास बहुत है और ये बात मुझे मालूम है कि तुम्हारा बेटा बेचता है, लेकिन ये मेरा मसला नहीं है क्योंकि मुझे पैसे एक बार नहीं चाहिए। तुम मुझे मंथली ही पैसे दो और जिस तरीके से तुम इस वीडियो में नंगे हो ना, इसी तरह तुम दुनिया वालों के सामने, अपनी बीवी के सामने, अपने बेटे के सामने नंगे हो जाओगे, जो मैं नहीं चाहती। ठीक है मैं पैसे तुम्हें दे रहा हूँ, कमरे में आके मुझसे ले लो। ये हुई ना मोहब्बत वाली बात। ये बताइए किसने वीडियो बनाई है? तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाहती है कुछ? क्या अगर शाम तक मैं नहीं पहुंची ना तो वो तेरी वीडियो वायरल कर देगा और फिर तेरा बेटा तुझे पैसे नहीं भेजेगा। तुझे जमीन से मार दूंगा। पागल बुड्ढे तू, इतना बेवकूफ है तुझे ये नहीं पता कि वीडियो किसने निकाली है? तो वो क्या मेरे मरने का इंतजार करेगा? देख अगर मैं मर गई ना तो वो तुझे ब्लैकमेल करेगा। तू मुझे ये बता कि तुझे मुझसे ब्लैकमेल हो रहा है या उससे? मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो। देख पैसे तो तुझे वैसे भी देने पड़ेंगे क्योंकि अगर तू मर गया ना तो तेरे पैसे वैसे भी बंद हो जाएंगे। जो तुमने मेरे लिए किया वो तो शायद। बाजी हो ना, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। बेशर्म भी हो सकते हैं, मुझे इसका अंदाजा नहीं था। अब देखो मैं इसे कैसा सबक सिखाती हूँ। कोई फायदा नहीं है, सब मर्द नहीं लेकिन जिस मर्दों की ये फितरत होती है ना वो कभी भी बाज नहीं आते, और चाहे आप जितना भी उन्हें बोल दें या जलील कर देना उनको कभी भी असर नहीं होता। ठीक कह रही हो तुम, लेकिन मैं चुप नहीं रह सकती। बात कहूँ, जब से मेरे शौहर का एक्सीडेंट हुआ है ना मेरी तो जिंदगी बर्बाद होके रह गई है, ना घर में पूरी पड़ती है और ना ही बाहर, और उनके इलाज के लिए बहुत पैसों की ज़रूरत है। अगर आपकी इजाज़त हो तो जो आपके बेटे पैसे भिजवाते हैं वो मैं आपको दिलवा सकती हूँ आपके शौहर से लेके। क्या बोल रही हो तुम, और तुम्हें ये सब कैसे पता? वो आप लोग लड़ाई कर रहे थे ना तो मैंने सुन लिया था। मगर तुम ये सब कैसे करोगी? वो जो करना चाहते हैं बस आप नहीं करने दो। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? ये गुनाह है, बिल्कुल नहीं। आपको पता है सबसे बड़ा गुनाह क्या है? गुर्बत। और इसी गुनाह की वजह से सब गुनाह होते हैं। नहीं ये ठीक नहीं है। वो ही गुनाह रोज ही बाहर किसी के साथ करते हैं। तुम होश में हो? ये बात बंदा अपने होश में ही कर सकता है। मैं हर महीने उनसे 3 लाख रुपए लूंगी और उसमें से आप मुझे 50,000 रुपए दे दीजिएगा। नहीं मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई और हल नहीं है। अब ये हर महीने आपको पैसे देंगे पर कभी कभी हक लेने के लिए गलत भी सही होता है। या अल्लाह मुझे माफ़ करना।